गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, माय ड्रीम चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे सैमसंग ई सीरीज में जितना भी मोबाइल का है ना, उसमें डेड सॉल्यूशन। पहले सेट को हम चेक करेंगे, वो शॉर्ट है कि नहीं, ये वो देखना पहले ज़रूरी होता है कि सेट शॉर्ट नहीं है, अभी सही है सेट, इसका मतलब डेड है। तो हार्डवेयर में देखना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा थोड़ा। देखिए सेट में बहुत सारा डस्ट है, इसकी वजह से भी डेड हो सकता है, तो इसको पहले हम वॉश करेंगे। देखिए मोबाइल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद फिर देखेंगे सही होगा कि नहीं। पहले अच्छी तरह से जो चार्जिंग सॉकेट है, जो चार्ज का जैक है, वहाँ थोड़ा अच्छी तरह से वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जितने सारे पिन है सब पूरा डायरेक्ट सीपीयू और फ्लैश के अंदर जाता है। वहाँ से कोई भी अगर थोड़ा सा भी शॉर्ट हुआ तो पिन के साथ पिन, तब भी डेड हो सकता है। चार्जिंग सॉकेट के अंदर थोड़ा अच्छी तरह से वॉश करना, क्योंकि पहले ही आपको बोल दिया वहाँ थोड़ा ख़राब होने पर तो सेट डेड हो सकता है। देखिए कितना डस्ट है उसके अंदर। फिर ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद देखेंगे मोबाइल ऑन हुआ कि नहीं। अभी हम चेक करेंगे मोबाइल ऑन होगा कि नहीं देखने। देखिए मोबाइल ऑन नहीं हुआ, डेड है। फिर यहाँ देख रही है फ्लैश है, जो फ्लैश उसके पास जो है क्रिस्टल है, फ्लैश और क्रिस्टल दोनों को थोड़ा रिसोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों की थोड़ी सी भी ड्राई होने पर भी सेट डेड हो सकता है। क्रिस्टल इतना रेयर चीज़ है जो वहाँ थोड़ी सी भी ड्राई होने पर भी मोबाइल डेड हो सकता है, इसीलिए वहाँ थोड़ा रिसल्ट करना है। अभी थोड़ा बोर्ड को ठंडा करना है,
उसके बाद हम देखेंगे मोबाइल ऑन होगा कि नहीं। अभी हम चेक करेंगे, डन। देख सकते हैं आप, ये मोबाइल ऑन हो गया। आपने समझ गया होगा कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारा जो माइंड ड्रीम चैनल है उसमें आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा लगा तो। थैंक यू दोस्तों।